Hey, hi. Happy New Year. Happy New Year. I think Sal Mubarak. Sal Mubarak कहना चाहिए. Sal Mubarak. Sal Mubarak. ये है क्या? ये हम बाद में बात करेंगे. अरे सबसे पहले हम तो किसके अच्छा स्पॉन्सर नहीं नहीं उनके बारे में बात करनी चाहिए. स्पॉन्सर के बारे में पहले करना चाहिए. These guys, we have the official sponsor for this video. First ever sponsor. हाँ जी पहली बार हमें स्पॉन्सरशिप मिली है इसके लिए तालियां होनी चाहिए. Yes. And pat on our backs. और हमारे स्पॉन्सर्स हैं हम खुद. जी हाँ दोस्तों वी आर ऑफिशियली स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड क्यों ये बताएगी आपको वीडियो के एंड में. हाँ जी तो आज हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में. तो प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता मैं भूल जाता हूँ तो आप बताइए. आपके साथ ऐसा होता है कि आप पूरे दिन में ना बहुत कंप्लेन करते रहते हैं. कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? यही है यार कि देखो ना बॉस दिमाग खाता रहता है. सीनियर एज यूजुअल खुद काम करते नहीं हमें करवाते रहते हैं. दोस्त फोन उठाते नहीं पेरेंट्स समझते नहीं. एंड वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स कभी खत्म नहीं होते. पर जब हम वो सारी कंप्लेंट्स करते हैं ना तो हम एक्चुअली भूल जाते हैं क्या कि हमारी लाइफ में बाकी सारा कितना अच्छा है. वी जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दोस थिंग्स दैट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर. पता है मैंने एक वीडियो देखा था गौर गोपाल दास का जिनमें उन्होंने बताया था कि जब आपको किसी एक दांत में दुख रहा होता ना तो आपका ध्यान उधर ही जाता है. जीभ उधर ही जाती है. ऑल्दो यू हैव 32 टीथ बट यू आर ओनली कंसर्न अबाउट दैट वन थिंग. सही है पर वो एक पर ही ध्यान जाता है ना. तो वैसे ही हमारी लाइफ में 99% चीजें सही जा रही है लेकिन सिर्फ 1% ऐसा है जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है या फिर वो एक्चुअली उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं होता जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है. True. पर हम है ना उसके ऊपर ही होल्ड ऑन करके खड़े रह गए. मतलब वो ग्लास होल्ड करके खड़े रह गए कि ये क्यों नहीं हुआ ये क्यों नहीं हुआ और फिर उसको ही एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस में घुस जाते हैं. तो ये हमारा प्रॉब्लम है राइट. बहुत बड़ा प्रॉब्लम. सॉल्यूशन क्या है? आई थिंक वी हैव द सॉल्यूशन राइट. या क्या है सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज उधर रखा है. नहीं द बिग अम्ब्रेला ऑफ सॉल्यूशन इट इज टू बी ग्रेटफुल टू बी थैंकफुल फॉर व्हाट एवर यू हैव बिकॉज इट इज बाय फार लाइक इफ यू एक्चुअली एनालाइज ना कि बाकी सारे लोगों की लाइफ या अपने फ्रेंड्स की लाइफ या अपने आसपास वालों की लाइफ तो उसकी लाइफ और अपनी लाइफ आप जब कंपेयर करोगे ना यू हैव मिलियन ऑफ अदर थिंग्स व्हिच दे डोंट हैव एंड दे माइट हैव नॉट माइट एक्चुअली दे ऑफ कोर्स हैव मिलियन अदर थिंग्स व्हिच वी डोंट हैव. सो वी शुड बी एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव लाइक द बेसिक्स. लोगों के पास पानी नहीं है यार पीने को. तुम्हारे पास पानी है तुम ये वीडियो देख रहे हो व्हिच मींस ऑफ कोर्स यू हैव अ स्मार्टफोन. कम ऑन व्हाट मोर यू नीड राइट. रोटी कपड़ा मकान और स्मार्टफोन चार चीजें तो है. स्मार्टफोन और वाईफाई इंटरनेट. हाँ वाईफाई भी है. जियो का जमाना है भाई. तो अब मतलब क्यों इतना हम फिर एक चीज में घुस जाते हैं? तो इसका सोल्यूशन है ना ग्रेटफुल होना. अब ग्रेटफुल है ना आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें आपको बताया जाता है यार बी ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड बी हाँ बी ग्रेटफुल अपने दिमाग में बताते रहो ऐसे या फिर ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो. सब बताते ही है ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो. बोरिंग है नथिंग फन लाइक यू नो मेरे साथ ये होता है ना. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस मुझे ना मतलब किताबें देख के वो स्कूल वाली फीलिंग आती है. होमवर्क आ गया वाली फीलिंग. मतलब क्या प्रेशर लगता है क्या? तो मुझे लगता है ना कि आई फील लिखना यू नो लाइक तीन चीजें क्या अच्छी हुई आपके दिन में लिखो उसके बारे में. लाइक ओके ठीक है लेकिन लिखना नहीं अच्छा लगता. कैन वी हैव समथिंग मोर इंटरैक्टिव जिससे और मजा भी आए एंड देन वी कैन बी ग्रेटफुल. तो ये हमारा आज का सोल्यूशन है. समाधान है हमारा. और फॉर This New Year for 2023 आपके साथ है ना. जो बुरा होता है वो आप हमेशा यहाँ पे याद रखते हो उसे अपनी मम्मी को बताते हो अपने फ्रेंड्स को बताते हो फिर उसके अपने दूसरे फ्रेंड को बताते हो और ऐसे करके आप उसे चार बार रिपीट करते हो राइट. लेकिन ऐसी ही चीज़ आप अच्छी वाली करते हो क्या? मतलब जो आपकी लाइफ में अच्छा हुआ वो नहीं वो तो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड को पता होता है और किसी को भी नहीं. बाय. तो जब भी आपकी लाइफ में आपके पूरे दिन में अगर आप रोज ना कर सको तो इट्स ओके. जब भी आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हुआ और नॉट नेसेसरली बड़ा बट द थिंग्स दैट मेड यू हैप्पी राइट इट इन अ स्मॉल नोट एंड पुट इट इन दिस जार स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डे. आप जब भी कुछ अच्छा हो इसके अंदर लिख कर डालो. एंड वेन एवर यू फील बैड और वेन एवर यू आर अपसेट और समथिंग रॉन्ग और समथिंग बैड हैपेंस टू यू लुक एट दिस जार
that how many good things have been happening to you since so long. Gone. Right? Perspective change करो अपना. पर जैसे मैं क्या-क्या लिख सकता हूँ इसके बारे में. मतलब अगर मेरे को चिट्ठी में लिखना है, तो मैं क्या लिखूँ? जैसे आज मेरे लिए किसी ने लिफ्ट का दरवाजा रोक लिया. You can write that as well. Okay. और क्या लिख सकते हैं? और कुछ भी लिख सकते हैं. मतलब जैसे कि मेरा बर्थडे है, तो किसी ने मेरी बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया. सो आई वॉन्ट टू रिमेंबर दैट थिंग एंड आई राइट इट हियर. और समथिंग लाइक आज मैंने एक मूवी देखी जो बहुत ही अच्छी थी एंड आई रियली एंजॉयड. आई लर्न समथिंग फ्रॉम इट. या फिर तारक मेहता का कोई एपिसोड जो मजा आ गया उसमें. आज मैं बहुत हंसी टाइप्स. कुछ भी लिख सकते हो. इट इज जस्ट इट डिपेंड्स ऑन यू. ये अच्छा है ना. मतलब उसमें क्या होता है ना, वो क्वेश्चन लिख रखे होते हैं 3-4 और वही क्वेश्चंस के आंसर देते रहो. थोड़ा सा बोरिंग सा बन जाता है रोज. अरे मोनोटोनस हो जाता है. हां एंड यू ऑलरेडी नो कि उसमें क्या क्वेश्चन है, तो आपको रोज वही सोचना है कि अच्छा ये क्वेश्चन है. रूटीन जैसा. किसी किसी जर्नल में एक्चुअली अलग क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो फोर्स करता है आपको वही क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए. जबकि यहां पे यू हैव द फ्रीडम टू राइट एनीथिंग. एंड बस ऐसे मत लिखना है ना. वो A4 साइज का नहीं लेना. एक छोटा सा स्टिकी ले लो और इस पे लिख दो. A4 साइज का तो मत ले. कि पानी पूरी सस्ती हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया, कुछ भी जो भी जिससे आपको लगा कि पानी पूरी, दैट्स आल्सो वन ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ. या सो जिससे भी आपकी मुस्कान आती है, आपके दिन में खुशी आती है, जो भी वो लिटिल मोमेंट्स ऑफ जॉय होते हैं, आप इसे लिख सकते हैं और इसे जार में डाल सकते हैं. तो आप बड़े से जार में इसे डालिए और इसे जितना भर सके भरिए और देखिए कि आप जब भी अपनी लाइफ में ना कोई तो ऐसा मोमेंट आएगा जब ये सारी बातें आप भूल जाओगे और ऑफिस वालों ने आपकी फालतू में बहुत गंदी वाली ले ली होगी. आपकी गलती भी नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको सुनना पड़ रहा होगा. कई बार शायद ब्रेकअप वेकअप हो गया, ओ बाप रे दैट्स टेरेबल. बट लेकिन कब वो हो गया, कभी कभी बेस्ट फ्रेंड खुद निकल गया, कहीं और शिफ्ट हो गया, गोवा हुआ चला गया. कभी कभी बेस्ट फ्रेंड ने किसी और बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई ट्रिप कर ली. दैट इज आल्सो वेरी अपसेटिंग. सो कहने का तात्पर्य ये है कि पंगे तो लाइफ में आते रहेंगे, बुरे दिन आने वाले हैं. वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे हर सुबह के बाद एक रात भी होती है. तो जब भी वो रात आए, जब भी वो इंतजार वाला वो मोमेंट आ जाएगा, शिट यार क्या लाइफ चल रही है मेरी, तब अपनी नज़र ऐसे थोड़ा सा घुमा के वो जार पे देखना. वो जार आपको दिखाएगा और आपका वो जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है अपनी ज़िंदगी की तरफ देखने का, वो चेंज करेगा. एंड होपफुली दैट विल रिमाइंड यू दैट हाउ मैनी ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ जॉय यू हैड इन दिस ईयर. एंड आप क्यों इस एक छोटे से टट्टी वाले मोमेंट पर इतना ज़्यादा भार दे रहे हो, इतना ज़्यादा मतलब वजन दे रहे हो. तो आपको लगा कि यू नो लाइफ इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल, लुक अराउंड, दैट्स वेयर योर स्माइल इज. एंड दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. यू नो मतलब सब आप लोग ये भी सोचेंगे ना कि यार हर रोज तो नहीं हो रहा है ना, हर रोज तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, यार रोज तुम्हारी लाइफ होगी अच्छी, हमारी तो नहीं है. कोई बात नहीं, जब नहीं हो रही है ना तभी भी इसे देखो, तभी एक्चुअली इसे देखना है. No, I understand, but I think काफ़ी सारे लोग होंगे including myself, जिन्हें शायद ऐप पे मज़ा आता है, नो आर मोर यू नो इन टू दैट थिंग केयर. मुझे ना मोबाइल में अगर कोई चीज़ है ना, सो इट्स मोर कन्वीनियंट, मेरे को और ज़्यादा इंट्रीगिंग लगती है. कभी कभी उसका UI बहुत ज़्यादा प्रिटी होता है. सो आई एम अ गाय हु लाइक्स टू हैव सम ऐप ऑन माई मोबाइल फॉर द ग्रेटिट्यूड एवरीथिंग. या फिर शायद कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे जर्नलिंग पसंद हो, तो वो कहेगा कि यार यू नो ग्रेटिट्यूड जर्नल भी बहुत अच्छी है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल, अगर हम कंपेयर करें विद एन कोई भी अच्छी ऐप वर्सेस ग्रैटिट्यूड जार, हाउ डू वी से दैट ग्रैटिट्यूड जार इज द विनर? देखो ग्रैटिट्यूड जार है ना इसलिए विनर है क्योंकि अगर आप ये देखो कि ये है ग्रैटिट्यूड जर्नल राइट, और आपकी एप्स भी होगी, तो इसे ना आपको ऐसे खोल के ऐसे हर एक पन्ना पढ़ना पड़ेगा या फिर आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा मैंने इसमें से कौन से पन्ने पर कुछ लिखा भी है या फिर समथिंग लाइक दैट राइट. लेकिन ये आपको ये विजुअल एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस देता है, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है कि यार इतनी सारी चीज़ें तो मेरी लाइफ में अच्छी जा रही है, तो मैं किस बात को लेकर पकड़ के बैठा हूँ. और नॉर्मली है ना हम ह्यूमंस है ना थोड़े से कुछ भी ऐसे खोल के कुछ काम करने के लिए थोड़े लेजी होते हैं. तो इसमें आपको वैसा कुछ नहीं करना है कि खोल के हर बार मैं अभी दुखी हूँ तो क्या मैं यार ग्रैटिट्यूड जर्नल ऐसे खोल के बैठूंगा. नहीं, आप ये देखोगे दिस इज समथिंग लाइक विच इज वेरी क्विक एंड दिस इज विजुअली वेरी अट्रैक्टिव एंड इट गिव्स यू दैट सेंस यू नो कि आप इम्प्रूव हो रहे हो, आप खुश हो. नो आई टोटली एग्री विद श्री. मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब ये चीज़ आपके ऑफिस डेस्क पे रहेगी या फिर आपके घर में रहेगी ना, तो
यार एप्स का ना मेरे साथ ये बहुत पंगा रहता है कि देयर आर लॉट ऑफ एप्स ऑन माय फोन राइट, तो इतनी नोटिफिकेशंस आती है ना कि यार बाय गॉड कभी कभी तो वो ऐप मेरे को रिमाइंड करा रही होती है कि यार अभी ये करना है वो करना है, लेकिन आई जस्ट फॉरगॉट टू सी दैट. कभी कभी वी आर सो बिजी दैट वी डोंट हैव द टाइम, बट जब वो आपकी आंखों के सामने रहता है ना, व्हेन इट्स फिजिकली देयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इग्नोर इट. एंड विजुअली जब आप प्रोग्रेस देखते हो ना, तो अलग ही खेल है. जैसे जिम में नहीं होता कि जब आप खुद की बॉडी को वो बदलते हुए देखते हो ना मिरर में, तो वो बहुत अलग वाली चील है. सो बहुत अच्छी फील है. एंड ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगता था बिफोर दिस वीडियो, बिकॉज मेरे को लगता था कि यार ये ना चीज़ें काफ़ी टाइम वेस्ट है, बट अभी ये पूरा जब बातचीत में सुना था मेरे को लग रहा है कि हाँ यार बात तो सही है. जब आप वो चीज़ें देखोगे आपके आँखों के सामने, इट्स गोना हेल्प यू यू नो इन योर बैड डेज, इन योर काइंड ऑफ दोज सैड डेज. सो आई थिंक आई एम गोना डेफिनेटली ट्राई, एंड आई होप कि आप भी ये ट्राई करें. एंड बिकॉज वी आर स्पॉन्सरिंग आवर वीडियो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी बात करें. सो द प्रोडक्ट इज बेसिकली, आपने नोशन के बारे में जरूर सुना होगा. नोशन इज अ ब्यूटीफुल ऐप. अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज जाइए सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए एंड चेक इट आउट. इट्स अमेजिंग, इट्स इनक्रेडिबली ऑसम ऐप. लोग यार वेबसाइट्स बना रहे हैं, यू नो 20-20, 50-50 लोगों की टीम कोलैबोरेट करके काम कर रही है, एंड इट्स इनक्रेडिबली ऑसम. फ्री है अगर आप पर्सनल यूज़ करना चाहते हो तो. एंड बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो आपकी डेली यूज़ की लाइफ में ना बहुत से हेल्प कर सकते हैं, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ एन हैक. तो मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, एंड लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव मेड रिसेंटली इज ग्रॉसरी का इन्वेंट्री का मैंने पूरा एक टेम्पलेट बनाया, विच इज अ सुपर हैक. मेरी लाइफ इतना ऑटोमेट हो चुका है उधर, तो आई एम लाइक नहीं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. पर अगर मैं हमारी बात करूँ, सो वी बोथ क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल टेम्पलेट कॉल ग्रेटिट्यूड जर्नल, एंड वी आर सो हैप्पी टू शेयर दिस ऑफिशियली दैट टेम्पलेट इज लाइव नाउ, एंड यू कैन जस्ट बाय दैट टेम्पलेट. इट्स ऑफिशियली अवेलेबल ऑन सेल, सो आप जाइए. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक इट आउट कर सकते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पलेट. बहुत शिद्दत वाली मेहनत से हमने कोशिश करके ये बनाया है, और इसी इंटेंशन के साथ बनाया कि अब आपके रोज के दिन है ना और ज्यादा रूटीन आपका स्पेशल हो जाए, और आप अच्छे से इंप्रूव कर पाए, ज्यादा खुश रह पाए, और ऐसी छोटी-छोटी बातों पे ध्यान ना दें. राइट. एंड बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एंड सबसे अच्छा चीज़ जो मैंने बहुत मेरे को लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसमें मूड ट्रैकर भी रखा हुआ है, तो इट कैन ऑल्सो ट्रैक योर मूड कि आज आपको मूड कैसा लग रहा है, आपको इंस्पायर करने के लिए ज्यादा एवरी पेज पे एक कोट है. यस, सो दैट कैन, दैट पॉजिटिव अफर्मेशन और दैट कोट कैन डिलाइट योर डे, कैन डिलाइट योर मूड. एंड सो यही इंटेंशन है कि यार यू नो लाइफ में सब खुश रहे, सब ग्रो करें. दिस 2023 यू नो इट गिव्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड चिल्स इन योर लाइफ एंड लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. सो इसी इंटेंशन के साथ हम हमारी टेम्पलेट लॉन्च करना चाहते थे, सो दैट्स वाई वी मेड अ कोलैबोरेशन वीडियो. यूजुअली वी आर काइंड ऑफ सपोर्टिंग ईच अदर इन द वीडियोस, सो हम में से कोई ना कोई बैक एंड पे रहता है, कोई फ्रंट एंड पे रहता है. हमने ऐसा वीडियो कभी भी नहीं किया. यस, सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइम एंड होपफुली यू गाइस लाइक इट. थोड़ा सा लंबा है उसके लिए सॉरी. नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू कीप दिस अ बिट शॉर्ट. बट आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए, और कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट ग्रेटिट्यूड जर्नल कौन सा वे है. क्या आपको जर्नलिंग पसंद है, क्या आपको जार पसंद है, या फिर आपको ऐप पसंद है. एंड आई पर्सनली थिंक कि मुझे लगता है कि आई विल गो विद द जार. आई विल कीप अ जार, मैं अपने ऑफिस पे रखूँगा, लेकिन आई विल ऑल्सो कीप दैट ग्रेटिट्यूड जर्नल टेम्पलेट जो हमने क्रिएट किया, क्योंकि आई नो हाउ ब्यूटिफुली दैट टेम्पलेट इज. सो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है. And I'm going to try this gratitude journal 2023. I hope aap bhi try kare aur hame zarur bataye kare if it helps you. And this is me, Vanraj. This is me, Shubhshree. And we'll see you in the next video. Till then, Happy New Year. Yeah, Happy New Year. Sal Mubarak. Bye-bye.